हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स आर्ट बॉक्स। और मैं आज फिर से रिव्यू करने वाली हूँ आईपैड 7th जनरेशन 32 बिट। और मैं आज इसमें डिस्कस करूँगी टॉप फीचर्स। तो इसका जो फर्स्ट फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्मार्ट कीबोर्ड को सपोर्ट करना। एप्पल का जो स्मार्ट कीबोर्ड आता है वो मैग्नेटिक होता है और उसको आप यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और जो मेरे पास कीबोर्ड है, मैंने वो ब्लूटूथ अनेबल लिया है, वो एप्पल का नहीं है, बट वो भी ये सपोर्ट करता है। और ये भी मैग्नेटिक कीबोर्ड है और ये अपनी जगह से आसानी से हिलता नहीं है, जिससे कि हमें बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक जगह पर यह स्टिक रहता है। और इसको आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं सारी एसेसरीज जितनी भी मैंने परचेज करी हैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं अमेज़ॉन का लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसका सेकंड फीचर है कि ये फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल को भी सपोर्ट करता है। तो जो एप्पल की पेंसिल है वो 10,000K की आती है। तो अगर आपको उतने पैसे खर्च नहीं करने हैं तो एक स्टाइलस भी आता है जो आपको 3-4K का मिल जाएगा आसानी से। मैंने वही परचेज करा है और ये भी बहुत ही अच्छा चलता है इसके साथ। ये पेंसिल जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इसके साथ एसेसरीज आई हैं। सी टाइप का इसका चार्जिंग केबल है, एक एक्स्ट्रा निब है जो हमें दी गई है, और निब भी काफ़ी ईजिली जो है वो रिप्लेस हो जाती है। आपको सिंपल इसे रोटेट करना है और ये निब आप यहाँ से इसकी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी ये नई है तो मैंने कोई रिप्लेस नहीं करा है क्योंकि यूज्ड ही नहीं है। और इस पेंसिल को ऑन ऑफ आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको टैप करना है ऊपर। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ऑल नोटिफिकेशंस ऑन के साथ, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और नेक्स्ट जो मैं इसका फीचर कहूँगी वो है, आप इसे बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि ये बहुत ही थिन है और लाइट वेट है, तो इसे कैरी करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फोर्थ हमारा फीचर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो है मल्टीटास्किंग फीचर। मल्टीटास्किंग से यहाँ पे मतलब है कि आप एक साथ दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने यहाँ पे YouTube खोला है और फिर मैं इसके साइड में अगर सफारी खोल रही हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ रीड करना है, कुछ सर्च करना है, तो मैं वो भी बहुत ही आसानी से कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकती हूँ, ये ऑप्शन भी दिया गया है। और मैं किसी भी स्क्रीन को प्राइमरी बना सकती हूँ जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ, और किसी को भी सेकेंडरी। तो आप कहीं भी इसे स्लाइड कर सकते हैं और क्लोज करने के लिए फुल राइट और फुल लेफ़्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें आप ड्राइंग भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, जो बहुत ही फेवरेट फीचर है मेरा। आप एप्लीकेशन कोई भी नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं नोटेबिलिटी यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है ये वाली एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैनर बनाए हैं, टू डू लिस्ट बनाई है, और ये कुंग फू पांडा बनाया है, वो भी इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके बनाया है। तो ड्राइंग भी आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। और आप यहाँ पे ड्राइंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, जिसमें काफ़ी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप इसका जूम इन फीचर यूज़ करके कितना भी इसमें लिख सकते हैं,
कोई इशू नहीं आता है, जूम इन जूम आउट भी बहुत ही स्मूथली चलता है। और आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, आपको कोई इमेज सही लगती है तो डायरेक्टली आप उसे ड्रैग ड्रॉप करिए, रीसाइज़ करिए, उसके ऊपर कुछ आपको लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं। अब अपने नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी क्रिएटिव नोट्स बनते हैं इससे, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है लास्ट मैं कहूँगी वो है जैसे टच आईडी, और इसमें स्मूथ स्क्रॉलिंग है, कहीं पे भी कोई लैग नज़र नहीं आता है, बहुत ही स्मूथली आप कितनी बार भी इसमें विंडोज़ को ड्रैग ड्रॉप करिए और बैकएंड में चलने दीजिए उन विंडोज़ को, 3 4 दिन भी मेरे को कोई इशू नहीं आता है, कितनी ही बैकग्राउंड में ऐप्स चलती रहें। तो मेरा यही रिव्यू है, बेस्ट टैबलेट है ये बेस्ट बजट के अंदर, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इस आईपैड को तो ज़रूर करिए।